नमस्कार, मैं हूं करमजीत कौर और आप देख रहे हैं RIMT न्यूज। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का तो सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता है कि 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है? मुझे पता था, आप में से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। और जिनको नहीं पता, उनको बताने के लिए और सबको जागरूक करने के लिए कि आखिर वोट का अधिकार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड फिल्म स्टडीज के स्टूडेंट पेश करने वाले हैं नुक्कड़ नाटक। आइए देखते हैं। नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों को भी नमस्कार। मैं हूं खास पार्टी का उम्मीदवार, मेरा चुनाव चिन्ह है टोपी। वही इसकी टोपी उसके सर। भाई और बहनों, आप हमें वोट देंगे, हम आपकी महिलाओं को आजादी देंगे। भाई और बहनों, मैं गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। कहीं आप वही तो नहीं जो पिछली बार मुख्यमंत्री आवास से नल भी चोरी करके ले गए थे? फिर से कौन बोला? भाई और बहनों, मैं देश को नशा मुक्त कर दूंगा। भाई और बहनों, अपना एक एक कीमती वोट टोपी को ही दें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वोट वोट टोपी, वोट वोट टोपी, वोट वोट टोपी, वोट वोट टोपी। अरे यार, मैं भी आज वोट डालने जाऊंगा। अरे छोड़ यार, तू अपना दिन खराब कर रहा है, तेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या इसके शक्ल में कुछ हुआ जो अब होगा? ये बात तो सही कह रहा है यार। छोड़ यार, हिमाचल करते हैं। 18 के हुए, इनको मिली बाइक, इनको मिला मोबाइल, और पता है साथ में इनको क्या मिला? क्या मिला? इनको मिला वोटिंग का अधिकार। सुविधाएं तो इनको सभी चाहिए, क्या इन्होंने समझी अपने अधिकार की गहराई? जागो वोटर जागो। I am.
वाह फर्स्ट डिवीजन यस सर जी का 10 मिनट वेट कीजिए बाहर हाँ मंत्री जी मैं मंत्री बाकेलाल बोल रहा हूँ हाँ जी बोलिए मेरा एक आदमी है उसको नौकरी चाहिए जी तो कैसी ना फूल हो गई अरे मैं मंत्री बोल रहा हूँ तुमको सुन नहीं आ रहा जी कोई नहीं भेजिए काम हो जाना चाहिए जी जी और खर्चा पानी ले जाना ओ जी मंत्री जी भेजा नौकरी के लिए तो नौकरी पक्की है आपकी भाई बचाए हुए बीते यार नौकरी पक्की सर पक्की पक्की जो पक्की है खर्चा पानी आपके पास तो नौकरी भी नहीं है जाओ करते वाले समाज बदलने की करते हो भ्रष्टाचार देखा ना आज फिर हो गई शिक्षा की हार अरे जागो करते हैं RIMT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ए एस चावला जी से गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर सबसे पहले तो हैप्पी वोटर्स डे आपको भी सबको हैप्पी वोटर्स डे यंग स्टूडेंट सर आप इस वोटर्स डे पे पूरे सिटीजन्स को और अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसा है कि इंडिया एक सबकी हम ये कहें तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की है और एक एक्सेप्शनल डेमोक्रेसी जहाँ पे हर एक को एक ऐसा अधिकार दिया गया है जो अपनी गवर्नमेंट अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ की एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है लोगों ने अपने वोट का अधिकार ठीक तरीके से यूज नहीं किया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गरीबी का रीज़न हो सकता है लोग वोट को खरीद लेते हैं
और पैसों की वजह से उनके वोट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके आइडियाज़, उनका जो चॉइस है इन्फ्लुएंस हो जाती है। मेरी जो एक तमन्ना है, पर्टिकुलरली आप सब लोग जो यंग जनरेशन, आज का यूथ जो हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस में आओ जहां पे अपने वोट का अधिकार ठीक तरीके से यूज़ किया जा सके और ऐसी लीडरशिप को आगे लेके आओ जो जिस पर्पज़ के लिए ये अधिकार आपके पास है एक डायरेक्शन मिल सके और हमारा जो मुल्क है उसको ऐसी लीडरशिप मिल सके जो अपने कंट्री को एक तरक्की की राह पे ले। अब बात करते हैं इस डिपार्टमेंट के HOD से और साथ ही साथ जो इस नाटक के ऑर्गेनाइजर्स हैं। नमस्कार मैम। हेलो। इस वोटर्स डे पे आप पूरे सिटीजन्स को और अपने बाकी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि वोटर्स डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक जो तैयार किया, और स्पेशल क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, हमारी फैकल्टी को, स्पेशली रुचिका मैम और अंजलि मैम जो आज है नहीं, आज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वोट ज़रूर दें तो एक सही उम्मीदवार को, क्योंकि सही उम्मीदवार को दोगे तभी पार्टी पर प्रेशर बनेगा कि वो हर बार एक सही उम्मीदवार को ही खड़ा करे और टिकट दे। हेलो मैम। हेलो। जो ये पूरा नुक्कड़ नाटक आपने तैयार करवाया और साथ में इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी स्टूडेंट्स में कहाँ से फिर? RIMT यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, द गुड थिंग इज वी हैव सो मच डाइवर्सिटी हियर, ऑलमोस्ट हर फील्ड के, हर एरिया से यहाँ पे बच्चे हैं, जिससे हमें अपने आप में डाइवर्स ओपिनियंस, डाइवर्स एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे जैसे जैसे बच्चों ने हमें स्टोरीज बताई कि उनके यहाँ पे वोट्स के नाम पे क्या होता है, इलेक्शंस के नाम पे क्या होता है, उसी से हमें इस चीज़ की इंस्पिरेशन मिली कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी स्टिल दे आर फेसिंग सच इश्यूज, लेट्स डू समथिंग, लेट्स कम टुगेदर टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। बींग अ टीचर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड बींग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की जिम्मेवारी भी पहले बनती है कि हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हों और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जानकारी दें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये नुक्कड़ नाटक पेश किया। आइए। हेलो एवरीवन। हेलो। कैसा लगा है आपको ये नुक्कड़ नाटक पेश करने के बाद? बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हमें इंस्पिरेशन अपने अंदर से आती है। आपको क्या नुक्कड़ नाटक से पहले आपको पता था कि 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है? जी नहीं मैम, हमको नहीं पता। अब आपको पता चल गया और सबको बता भी दिया। टोटल 6 स्टोरीज इस नाटक में आपने पेश की और अलग अलग हालात बताए। हर स्टोरी का एक ही मतलब था कि वोट के अधिकार को समझना। आपको उनमें से कौन सी ऐसी स्टोरी लगी जो आपके दिल को छू गई? मुझे शिक्षा का बहुत अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट की देखो है ना, एक नेता की कितनी चलती है, पर एक जो एजुकेशन, हम इतनी एजुकेशन कर लेते हैं पर वो एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सही। हर बार हम अपनी कमियों का दोष सरकार पर नहीं लगा सकते। हर समस्या जो इस देश में है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो और कोई भी बड़ी समस्या हो, हर कमी का दोष हम सरकार पर नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार हमारी चुनी गई है। हमारा एक वोट सरकार को बना सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है। तो हमें चाहिए हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना। जय हिंद।